अभी ना मैं चाय रख के आया था, तो मैंने तो अम्मी खुद ही बखुद उठ के आ गई वहां से चाय डालने के लिए मेरे लिए। देखिए माँ जो है ना बेटे को काम नहीं करने देती, तो ये देखिए रोटी और साथ चाय। तो अभी खुद ही अम्मी आ गई है गर्म करने के लिए, और ये पानी के देश के हैं बहुत बड़े बड़े, ये खाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बॉयल पानी पीना अच्छी बात है लेकिन ये पानी बहुत खतरनाक चीज बन जाता है जब गर्म हो जाता है। बेटे के बारे में क्या है कि अपना काम करो, सही तरीके से काम करो। माँ ने ये मशवरा दिया है मुझे, मेरी मामा ने, कि बेटा सही तरीके से काम कर। ओके अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई अभी 10 मिनट रह गए एक बजने में, तो अम्मी कह रही थी कि गुड़ के बहुत ज़्यादा फायदा है, ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है और जो है ना इसके लिए सेहत के लिए बहुत मुफीद है। तो मैंने अम्मी को फिर बताया कि गुड़ तो बहुत ज़्यादा पड़ा है हमारे गांव में लसुचा शालगुड़ के पास, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा गुड़ हमने मंगवाया था, पुणे मंगवाया था। तो अभी अम्मी को मैं गुड़ ला के देता हूँ। दही को बगैर चीनी के इस्तेमाल करें। अभी 1:33 हो चुके हैं और 2 मैंने काम पे पहुंचना था। उससे पहले मैंने सोचा था कि मैं क्रीम के ऑफिस जाऊंगा, क्रीम के ऑफिस जाके ना अपना अकाउंट जो है उसको जो पहले लक्ष्य में बना हुआ था उसको पहले कन्वर्ट करवाऊंगा अपने जो बाइक वाले अकाउंट में। तो फिर मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, अभी मैं सीधा काम पे ही जाऊँगा, तो काम पर जाके आपको मिलते हैं। क्या कह रही हो आप मंगल वाले दिन, क्या कह रही हो आप? हैं चला है काम पे और मॉम से पैसे ले लिए हैं। मैं अपने पैसे मॉम के पास ही रखवाता हूँ और मॉम से ही लेता हूँ। आप जितने मर्जी बड़े हो पैसे अपने मॉम के पास रखवाया करें, जितने मर्जी आपके पास पैसे हैं अपनी मॉम को बैंक अकाउंट बनाएं अपना और अपनी मॉम से फिर लिया करें पैसे पहले। लेकिन आपने अपने जेब में कम ही पैसे रखा करें, ज़्यादा अपनी मॉम के पास रखवाया करें। इससे ये होता है कि जब आप अपनी माँ माँ से लेते हैं पैसे तो उसमें बहुत ज़्यादा बरकत होती है। तो अभी ये मैंने मॉम से ही पैसे लिए हैं क्योंकि मैं काम पे जाने लगा हूँ। ओके फिर चलते हैं काम पे। निकलने लगा था तो मैंने गलती से लाइट बंद करनी थी, पंखा बंद कर दिया, तो मैंने कहा पंखा की बंद कर दिया, अभी पंखा दोबारा चलाता हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़ कर दो। Peace.